रात के 2 बजे भी अगर कोई महिला को घर से निकलने की आवश्यकता पड़ जाती थी अपने किसी काम के लिए, तो वो हिचकती नहीं थी, सोचती भी नहीं थी घर से निकलने के पहले। गांधी जी निडर होकर बाहर निकलती थी, उसको ये मालूम था कि हमारी तरफ कोई गलत आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती थी। उसको इतना अपने ऊपर गर्व था, अपने ऊपर उसको मालूम था कि बहन मायावती जी वहां बैठी है जो अपनी पार्टी के ही लोगों को नहीं छोड़ती है, कानून द्वारा कानून का राज चलाती है। जब सरकार थी तो उन्होंने कानून के द्वारा कानून का राज चला करके दिखाया था, और उसके लिए चाहे उनको वो कोई भेदभाव नहीं करती थी कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है, या ये विपक्ष का है, ये पक्ष वाला है, ये इस जात का है या उस जात का है, या इस धर्म का है या उस धर्म का है। उनके लिए सब बराबर थे। सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार चलाने का जो वादा किया था उन्होंने, जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उन्होंने वो करके भी दिखाने का काम किया। उन्होंने अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसने कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया था, 15 दिन की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, नई नई सरकार बनी थी, लेकिन एमपी साहब ने सोचा अब क्या है, अब तो हमारी सरकार है, और जैसे अन्य पार्टियों में होता है कि हमारी सरकार है तो हम उनके पार्टी के हैं तो हमें तो खुली छूट है। उन्होंने भी ये सोच करके कानून अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन बहन मायावती जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी अपने घर में बुलाया और घर में उनको अरेस्ट करा करके थाने में बंद कराने का काम किया था, और 5 साल तक उनको जेल में रखने का काम किया था। अपने दो दो मंत्री जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर के गरीबों के साथ में गलत काम करने का काम किया था, उन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करना तो कोई चीज नहीं होती है, बर्खास्त तो हो ही जाएंगे, बर्खास्त करने के साथ साथ में 5-5 साल तक जेल में रखने का काम किया था, तब कानून का राज चलाने का काम किया था।